हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्पेशल बीएड जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है, और रिज़ल्ट आउट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इवन जो डीएलएड और बीएड वाले थे उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रिज़ल्ट के 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ आपको स्पेशल बीएड का दूर दूर तक जो है देखने को नहीं मिलेगा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है। और यूनिवर्सिटी में कॉल करने पर बार बार वो यही कह रहे हैं कि मोबाइल पर मैसेज आएगा, मैसेज कब तक आएगा ये कंफर्मेशन नहीं दिया है। और आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म लिखा हुआ है स्पेशल बीएड का भी, लेकिन आपके स्पेशल बीएड का जो काउंसलिंग फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई शेड्यूल आया है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बीएड स्पेशल भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल बीएड और डीएलएड का हुआ है सिर्फ और सिर्फ, स्पेशल बीएड का अभी तक कुछ नहीं आया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वहाँ मेल कीजिए कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्यों डिले हो रही है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीज़न या कोई आंसर नहीं बताया गया है यूनिवर्सिटी में। कॉल करने पर जितनी बार भी कॉल करो यही बताया जाता है कि मैसेज आएगा। ऑलरेडी सेशन लेट है, ये बात भी मैं बोल चुकी हूँ, बट स्टिल दे रिप्लाइड कि मैसेज आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, यूनिटी दिखाइए, तभी कुछ जो प्रोसेस है आगे वो जल्दी स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी दिया है उस पर मेल कीजिए, थैंक यू। और अगर कोई यूनिवर्सिटी के आसपास रहता है तो प्लीज़ जाकर पता कीजिए कि क्यों ये लोग लेट कर रहे हैं, और पता चलते प्लीज़ आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट जो है पिन कर दूँगी ताकि और बच्चों को भी जो है साफ साफ रिप्लाई इस चीज़ का मिल जाए। थैंक यू।